नमस्कार, कार्यक्रम खेत खलिहान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए कृषि से जुड़ी ऐसी जानकारियां लेकर आते हैं जिसका लाभ उठाकर आप भी अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम जानेंगे ब्रुसेल्स स्प्राउट की खेती और बकरी पालन की नई संभावनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम। किसान भाइयों बहनों, जब बात होती है गोभी वर्गीय सब्जियों की तो आपके जहन में आती होगी फूल गोभी, पत्ता गोभी या ब्रोकली जैसी सब्जियां। लेकिन आज हम आपको एक खास गोभी वर्गीय सब्जी के बारे में बताने जा रहे हैं जो है ब्रुसेल्स स्प्राउट्स। जी हाँ, ये एक विदेशी सब्जी है जो कि दिखने में बिल्कुल पत्ता गोभी की तरह ही होती है, लेकिन आकार में होती है छोटी लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर। इसके जरिए आप आय में वृद्धि कर सकते हैं, रबी में इसकी खेती कर सकते हैं, इसके आयात की भरपूर संभावनाएं हैं। तो कैसे करें ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की खेती, आइए जानते हैं विस्तार से। आज हम बात करेंगे ब्रुसेल्स स्प्राउट की खेती के बारे में। ये एक गोभी वर्गीय सब्जी है और जो नई विदेशी सब्जी के रूप में भारत में भी इसका प्रचलन धीरे धीरे बड़े शहरों के आसपास आ रहा है। देखे जाए तो मुख्यतः ये यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में इसकी खेती होती है, लेकिन हमारे यहाँ जो शीतकालीन समय है, जो हम लोग रबी का मौसम कहते हैं, उसमें इसकी खेती बहुत अच्छे से की जा सकती है। और इसकी खेती हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी खेती अभी भी किसान लोग कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो खनिज लवण होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, कैल्शियम और लोहा, और ऐसे ही विटामिन सी, विटामिन के और फोलिक एसिड, ये अच्छी मात्रा में मिलते हैं। इसमें जो क्रूड फाइबर होता है, जो हमारे खाने के लिए बहुत अच्छा होता है, उसकी भी मात्रा अच्छी पाई जाती है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि ग्लूकोसिनोलेट्स, जो कि कैंसर विरोधी तत्व होते हैं गोभी वर्गीय सब्जियों में, वो इस सब्जी में भी पाए जाते हैं, इसलिए ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छी सब्जी है। इसको देखा जाए तो देखने में ये लगभग पत्ता गोभी जैसी होती है, लेकिन बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको मिनी पत्ता गोभी भी कहते हैं। इसका आकार यदि हम देखें तो लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर आकार होता है इसका, और वजन होता है लगभग 7 से 8 ग्राम, एक जो ब्रुसेल्स स्प्राउट होता है उसका वजन होता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो किसान भाई इसकी खेती शीतकाल समय में कर सकते हैं, और इसके विदेशों में निर्यात के भी बहुत अच्छे रास्ते तलाशे जा सकते हैं, क्योंकि जब यूरोप में सर्दी के समय में दिसंबर, जनवरी, फरवरी में बर्फ़ जमी रहती है, उस समय वहाँ इसकी खेती ना के बराबर होती है, लेकिन हमारे यहाँ से उसी समय में जो पैदावार होती है उसको वहाँ भेजा जा सकता है और एक निर्यात के अच्छे संसाधन अच्छा रास्ता चुना जा सकता है। यदि ब्रुसेल्स स्प्राउट की उन्नत किस्मों की बात करें तो इसकी उन्नत किस्म है हिल्स आइडियल, जेड क्रॉस और रूबिने। इनका परीक्षण भारत में हो चुका है। हिल्स आइडियल के बीज की बात करें तो इसका बीज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का एक केंद्र है कटराइन में, उससे इसका बीज किसान ले सकते हैं। इसके अलावा कई किस्में हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर की हैं, वो भी बाज़ार में आजकल देखने को मिलती हैं। यदि हम इसके बीज की मात्रा की बात करें तो लगभग 400 से 500 ग्राम बीज प्रति एक हेक्टर के लिए आवश्यक होता है, और इसकी बुआई हमेशा पौधशाला में की जाती है, और लगभग जब 30 दिन की पौध तैयार हो जाती है तब ये रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसकी रोपाई की बात करें ब्रुसेल्स स्प्राउट की तो लगभग 60 सेंटीमीटर पंक्ति से पंक्ति और 45 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी रखी जाती है। बात करें खेत की तैयारी की तो एक बात ध्यान रखें, किसान भाई अपने खेत की मिट्टी की जाँच जरूर करवाएँ, क्योंकि मिट्टी की जांच से ही आपको उसकी जो पोषक तत्वों के क्या मान है उसमें उसका पता चलेगा। वैसे इसके लिए जो हल्की बलुई दोमट मिट्टी होती है वो, या हल्की दोमट मिट्टी, दोनों प्रकार की मिट्टियां उत्तम होती हैं, और जल निकास की उचित व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। इसके लिए 2 से 3 बार बढ़िया से जुताई करके और खेत को पाटा चला करके भुरभुरा बनाएं, और मेड़ियाँ बना करके या फिर हल्की हल्की मेड़ी बना करके उसके ऊपर इसकी रोपाई कर सकते हैं। और जैसे मैंने दूरी बताई तो दो पंक्ति से पंक्ति 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। ब्रुसेल्स स्प्राउट में सिंचाई की बात करें तो दो चीज़ों का महत्वपूर्ण होती है, एक तो जल निकास की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरी बात सिंचाई कब और कैसे करें। तो इसके लिए यदि हम किसान भाई इसका ध्यान रखें कि रोपाई के तुरंत बाद सिंचाई ज़रूरी है, और उसके बाद
लगभग 12 से 15 दिन के अंतराल में, और यदि जब फरवरी जनवरी फरवरी का महीना आता है तो 10 दिन के अंतराल पर इसकी सिंचाई करनी अनिवार्य होती है। उर्वरकों की बात करें या खाद की, तो 20 से 25 टन गोबर की खाद खेत में प्रथम जुताई के समय मिलाएं, और अंतिम जुताई के समय लगभग 150 किलोग्राम नत्रजन और 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर की दर से मिलाएं। लगभग 100 किलोग्राम नत्रजन दो बार अलग अलग हिस्सों में दें, एक तो लगभग 40 से 45 दिन के बाद में रोपाई के, और दूसरी 60 से 65 दिन के बाद। इससे बहुत अच्छी पैदावार आती है और स्प्राउट्स भी ज़्यादा अच्छे बनते हैं। यदि हम किसान भाई ध्यान रखें, अधिक नत्रजन यदि आपकी भूमि में है और फिर हम ज़्यादा देते हैं तो इसलिए कई बार नुकसान भी होता है, और उसमें क्या है, एक तो हमारे पौधे की बढ़वार ज़्यादा होती है और स्प्राउट्स भी लूज बनते हैं। दूसरी बात, यदि हम पोटास की मात्रा ज़्यादा दे देते हैं तो हमारे स्प्राउट्स में बिटरनेस आ जाती है। तो इस प्रकार यदि किसान भाई अपनी मिट्टी की जांच करा के और फिर इन तत्वों की मात्रा देंगे तो उससे अच्छी फसल की पैदावार ली जा सकती है। यदि हम बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो इसमें दो बातें हैं, एक तो लगभग 45 दिन तक बिल्कुल फ्री रखें अपने खेत को खरपतवारों से, और दूसरा उसके बाद दो निराई गुड़ाई ज़रूरी है, एक तो 45 दिन के बाद में और एक लगभग 60-65 दिन के बाद में। जब आप ये दो कर देते हैं तो खेत खरपतवारों से लगभग फ्री रहता है, उसमें कोई इनकी समस्या ज़्यादा नहीं रहती। इसके लिए शुरुआती जब हम लोग रोपाई करते हैं उससे एक दिन पहले हम लोग कोई एक वीडिसाइड ले सकते हैं, जैसे खरपतवार नाशी है उसका प्रयोग कर सकते हैं, पेंडीमेथालिन का भी ले सकते हैं, 2 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से हम लोग उसका स्प्रे कर सकते हैं। यदि हम बात करें कटाई की, तो ब्रुसेल स्प्राउट की लगभग 80 से 90 दिन बाद में तैयार हो जाती है, कटने के लिए प्रथम कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और इसकी कटाई का ध्यान रखने वाली बात है कि जब लगभग हमारे स्प्राउट्स 3 से 4 सेंटीमीटर के हो जाते हैं आकार के, तो वो बिल्कुल तैयार हो जाते हैं, और इनका वज़न लगभग 50 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में आएगा, और इस समय इसको काटना अनिवार्य होता है, नहीं तो ये लूज हो जाएंगे और इनका मार्केट में कोई महत्व नहीं रहेगा। लगभग हम 5 से 6 कटाई करते हैं, और कई किसानों को देखा गया है कि वो 2-3 बार कटाई करते हैं और उसके बाद में पूरे पौधे को काट करके और उसकी सारी जो भी होती हैं स्प्राउट्स होते हैं उनको छाए में बैठ के तोड़ लेते हैं और बाज़ार में बेच देते हैं। तो इस प्रकार दो तरीके हैं, एक तो 2 या 3 हार्वेस्ट करें और उसके बाद पूरे पौधे को काट लें, या फिर लगातार हार्वेस्टिंग करके धीरे धीरे मार्केट में बेचते रहें, जो भी किसानों को उचित लगे वो ये कर सकते हैं। बात करें कीड़े और बीमारियों की, तो जैसे गोभी वर्गीय सब्जियां हैं उनमें जो बीमारियां आती हैं, जैसे आर्द्र गलन है, आर्द्र पतन है और काला सड़न है, ये सब बीमारियां इसमें भी आती हैं। लेकिन यदि हम बीज का उपचार ठीक से कर लें, जैसे कि जब हम बीज की बात कर रहे थे, जैसे यदि हम लोग थिराम या कैपटॉप से बीज का उपचार करेंगे तो 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से, तो हमारे जो पौधशाला में जो बीमारियाँ आती हैं जैसे आर्द्र पतन होता है वो नहीं आएगा। साथ ही यदि हम इमिडाक्लोप्रेट का 4 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचार कर देंगे तो जो एफिड्स की समस्या बाद में आती है वो नहीं आएगी या बहुत कम आएगी। इसी प्रकार यदि हम आर्द्र गलन की बात करते हैं, तो उसके लिए हम जो फंजीसाइड्स होते हैं मैंकोजेब या फेरिडोमिल का स्प्रे कर सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से। यदि कीड़ों की बात करें तो डायमंड बैक माउथ या पत्ता गोभी की तितली, ये इसमें भी आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या एफिड्स की आती है जो कि फरवरी के महीने में देखने को मिलती है इसमें। तो इसके लिए आप यदि नीम का एक्सट्रैक्ट है 5% का, उसका स्प्रे कर सकते हैं, या फिर इमिडाक्लोप्रेट का एक स्प्रे किया जा सकता है। स्पाइनोसेट भी एक अच्छा विकल्प है, किसान भाई उसको भी ले सकते हैं, 3 ग्राम 10 लीटर में घोल बना करके उसका भी स्प्रे कर सकते हैं और अपनी फसल को कीड़ों से बचा सकते हैं। ब्रुसेल स्प्राउट की खेती के लिए आजकल का मौसम बिल्कुल सही है, अक्टूबर के महीने में हम इसकी पौध की तैयारी का कार्य शुरू करते हैं। इसके लिए पौधशाला की तैयारी अच्छे से करें, और उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है मिट्टी को उपचारित करना, और उसके लिए थिराम या कैपटॉफ का 0.3% का घोल बना करके और 5 लीटर 1 वर्ग स्क्वायर मीटर में उसको तर कर दें। इसके बाद 2-3 दिन के अंदर जब ये थोड़ी सी मिट्टी अच्छी हो जाएगी, इसकी क्यारियाँ बनाएं और लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची उठी हुई, और इसके साथ ही इसकी लंबाई लगभग 3 से 5 मीटर रखें और चौड़ाई लगभग 45 सेंटीमीटर बेड की रखें। बेड के ऊपर हल्की हल्की लाइनें बनाएं लगभग 2 सेंटीमीटर गहरी और 7 से 8 सेंटीमीटर दूरी पर। तो उन क्यारियों के अंदर उपचारित बीज को, जैसे बावेस्टिन या थिराम से 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से उपचारित बीज को उसके अंदर बुआई करें,
और हल्का हल्का उनको मिट्टी से या गोबर की छनी हुई खाद से ढक दें। इसके बाद क्यारी को समतल कर दें हल्का, और उसके ऊपर सूखे घास डालें, और 3-4 दिन बाद में जब अंकुरण हो जाएगा तब उस घास को हटा दें और अपनी पौधशाला को अच्छे से उसका प्रबंधन करें। किसी प्रकार की खरपतवार या कोई भी कीड़े आएँ तो एक स्प्रे जरूर किया जा सकता है, खरपतवारों को निकाला जा सकता है। जैसे पौधशाला के जैसे धीरे धीरे जब पौध बड़ी होने लगती है तो उसमें निराई गुड़ाई का कार्य जरूर करें हर 7-8 दिन बाद में, और कोई कीड़ा आता है तो उसके लिए कोई एक केमिकल का स्प्रे किया जा सकता है। वैसे पेंटेड बग एक कई बार देखने को मिलता है, तो उसके लिए हम या तो नीम का जो 5% का एक्सट्रैक्ट है उसको स्प्रे कर सकते हैं और उससे उसको बचा सकते हैं। लगभग 35 दिन बाद में पौध बिल्कुल तैयार हो जाती है, जैसे जैसे कई क्षेत्रों में तो 30 दिन बाद में भी तैयार हो जाती है। तो इसके पौध के लिए इसको आप ले सकते हैं रोपाई के लिए। जो किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं या जो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करना जानते हैं वो इसका 4 ग्राम प्रति किलो के बीज के हिसाब से बीज का उपचार कर सकते हैं, और अपने जो पौध है जो लगभग 30 दिन बाद में तैयार हो जाती है ब्रुसेल्स स्प्राउट की, उसको भी लगभग 10 ग्राम प्रति लीटर के घोल में लगभग 30 मिनट तक डुबो के रख सकते हैं, और इससे करने से जो जड़ की जो बीमारियां हैं वो ना के बराबर आएंगी। तो किसान भाई ब्रुसेल्स स्प्राउट की खेती अच्छे से कर सकते हैं, और इसकी हमारे जो शीतकालीन समय है जो सर्दियों का समय है वो बिल्कुल उत्तम होता है, और जिस समय हमारे यहाँ भी इसकी मांग होती है और साथ ही साथ विदेशों में भी जैसे यूरोप या अमेरिका या इन देशों में या कई जो यूरोपियन देश हैं उसमें इसकी निर्यात की संभावनाएं भी तलाशी जा सकती हैं और एक अच्छी आमदनी कमाई जा सकती है। तो देखा आपने किस तरह आप कर सकते हैं ब्रुसेल्स स्प्राउट्स की खेती। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बकरी पालन की नई संभावनाओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, बने रहें हमारे साथ। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आ पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम खेत खलिहान। दोस्तों, किसी भी किसान के घर में बकरी का पाया जाना बहुत ही आम सी बात है, क्योंकि बकरी पालन के काफ़ी फायदे भी हैं और इसे जीवट पशु माना जाता है जिसे बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इन दिनों इस क्षेत्र में भी कई शोध और अनुसंधान लगातार जारी है, और वैज्ञानिक अनुसंधानों के जरिए व्यावसायिक तौर पर बकरी पालन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। तो ऐसे में व्यावसायिक तौर पर बकरी पालन के लिए किस तरह की नई आधुनिक तकनीकों को आप अपना सकते हैं, आइए देखते हैं विस्तार से। देश में पारंपरिक तौर पर बकरी पालन छोटे व मझोले किसान या फिर भूमिहीन किसान करते आ रहे हैं। बकरी एक बेहद उपयोगी पशु है जिसकी संख्या वृद्धि बेहद तेजी से होती है। संसाधन विहीन ग्रामीणों के लिए बकरी हमेशा ही एक वरदान के रूप में रही है।
बकरी बेहद जीवट किस्म का जीव है जो कठिन परिस्थितियों में अपने को आसानी से ढाल लेती है। इसमें अन्य दुधारू पशुओं और मांस के लिए उपयोग में किए जाने वाले पशुओं की तुलना में रोग भी कम लगते हैं, जिस कारण बकरी गरीब को संबल प्रदान करने में बेहद कारगर रही है। देश में पिछले कुछ समय से चारागाह घटे हैं और बड़े स्तर पर बकरी पालन शुरू होने से बकरी को गाय भैंस आदि की तरह ही दायरे में रखकर स्टॉल फीडिंग यानी एक जगह चारा दाना आदि देकर पालने की मांग बढ़ी है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम के वैज्ञानिकों द्वारा एक ऐसा पूर्ण आहार तैयार किया गया है जिससे बकरी के पोषण की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सके और बाड़े में रखकर भी अच्छा उत्पादन लिया जा सके। जो संपूर्ण आहार पशुओं के लिए जो हम बकरियों के लिए बना रहे हैं, इसका एक बड़ा विशेष महत्व है। और इसकी खास बात यह है कि विशेष परिस्थितियों में जहाँ बकरियों के लिए कभी हरा चारा नहीं है, चरागाह धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं, सूखा चारा उपलब्ध नहीं है, उन परिस्थितियों में हम एक संपूर्ण आहार बना के बकरियों की जो पोषण आवश्यकता है पूरी कर सकते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि पूरा का ये हमारे जो संपूर्ण आहार है इसमें संतुलित भूसे की मात्रा होती है, संतुलित दाने की मात्रा होती है, कितने मिनरल्स एवं लवण की आवश्यकता है वो संतुलित होती है। तो इसको खिलाने के बाद बकरियों को कुछ भी खिलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको पानी देना है। तीसरा इसका बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इसे खिला के जो बकरियों की पैदावार है, जो बढ़ोतरी है, बहुत अच्छी देखी गई है। और चौथी जो बात है कि ये बड़ा हाइजीन है, इसमें गंदगी बिल्कुल नहीं होती है। इसको खिलाने के बाद बीमारियां कभी भी हमने बकरियों में नहीं देखी हैं, क्योंकि संतुलित आहार मिल रहा है। आहार आप संतुलित देंगे, बीमारियाँ बहुत कम होंगी। बकरियाँ ऐसे बड़े चाव से खाती हैं, मैंने देखा हुआ है। और अगर आप पूछें कि कितना खाती हैं, तो अगर आपकी 100 किलो की कोई बकरी है तो करीब करीब 4 किलो ये संपूर्ण आहार खा लेगी। बच्चों में भी हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं, बहुत अच्छी उनका वजन बढ़ता है। हमने दूध वाली बकरियों में प्रयोग किए हैं, दूध की पैदावार बहुत अच्छी है। अगर किन्हीं किसान भाइयों को बकरे बाज़ार में बेचने हैं, उनके लिए भी संपूर्ण आहार बहुत बढ़िया है। इसके अलावा किसानों को सबसे बड़ा फायदा इसका यह है कि किसानों के पास जो भी सूखे चारे उपलब्ध हैं, चाहे वो भूसा हो, गेहूं का भूसा हो, अरहर का भूसा हो, चने का भूसा हो, सूखी घास है, वो इसमें उपयोग कर सकते हैं। 40% इसमें आप दाना मिलाएं, 60% इसमें भूसा सूखा चारा जो भी किसान के पास है वो आप मिला सकते हैं। अगर आपको 100 किलो कम्प्लीट फीड बनाना है तो 40 किलो दाना मिलाएं, 60 किलो उसमें सूखा चारा मिलाएं। इसको मिला के थोड़ा सा इस पर पानी छिड़क दीजिए, कोई बाइंडर की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीरा की ज़रूरत नहीं है जिसको मिलाने के लिए, केवल थोड़ा सा आप पानी छिड़क दीजिए और उसके बाद इसकी पैलेट आप देख रहे हैं तैयार कर लीजिए, ये जो बनी हुई हैं। और इसके बाद सीधा आप बकरियों को इसको खिला सकते हैं। हरे चारे के लिए इसमें हम विटामिन ए मिलाते हैं जिसकी आवश्यकता पूरी हो जाया करती है। तो अगर एक बार किसान भाई के पास चरने के लिए कोई चरागाह नहीं है, हरा चारा उपलब्ध नहीं है, उस परिस्थितियों में ये बहुत अच्छा काम करता है। खनिज, लवण और नमक, मैं आपको पूरा इसका एक संगठन बता देता हूँ कि जो हमारा दाना बनेगा जिसे हम 40 किलो मिलाते हैं उसमें करीब 60 से 70 किलो तक ग्रेन मिलाइए, जिन्हें हम दाने अनाज कहते हैं, चाहे आपके पास मक्का हो, चाहे आपके पास ज्वार हो या बाजरा हो या गेहूँ। 10 से 15% तक इसमें आप कोई भी खल मिला लीजिएगा, चाहे वो एक अलसी की खल हो या मूंगफली की खल हो, सोयाबीन की हो, सूर्यमुखी की हो। एक सरसों की खल को हम कम मिलाते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा कड़वाहट होती है, बकरियां उसे कम पसंद करती हैं। इसके अलावा जैसा आप पूछ रहे थे खनिज लवण मिलाते हैं, 2 किलो खनिज लवण, अगर आप 100 किलो दाना आपने बनाया है तो 2% खनिज लवण और 1% नमक, ये इसका कंपोजिशन होता है। अगर आप पूछना चाहें इसकी लागत कितनी आती है, तो इसे पूरे जो आप संपूर्ण आहार देख रहे हैं इसकी कीमत करीब 7 रुपये प्रति किलो के हिसाब से करीब करीब आया करती है। इसमें सब जो कुछ हम मिला रहे हैं उसकी कीमत भी है, मशीन में जो हमारी बिजली खर्च होती है उसकी कीमत भी है, लेबर कॉस्ट भी है, सबको मिला के 6-7 रुपये पड़ती है। हमने इसका पूरा इकोनॉमिक्स भी देखी है, पूरा आकलन किया हुआ है, तो बहुत ही प्रभावशाली, बहुत इकोनॉमिक और एक फ़ायदेमंद सौदा है।
आज देश में व्यावसायिक स्तर पर बकरी पालन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बकरी पालन में अच्छी नस्लों की मांग बढ़ी है, लेकिन सुदूर क्षेत्रों में अच्छी नस्ल के नर बकरे न होने के कारण नस्ल सुधार के प्रयासों में काफी दिक्कतें आ रही हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान भी केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से ढूंढ लिया है। अभी तक गाय भैंसों में ही कृत्रिम गर्भाधान सफलतापूर्वक किया गया है, लेकिन बकरियों में भी कई प्रकार की दिक्कतें आ रही थी। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान की जो तकनीकी विकसित की है वह बेहद कारगर है और अब उसके मानक भी तय कर लिए गए हैं। एक ही अत्यंत उपयोगी जनन तकनीकी है जिसका सफलतापूर्वक प्रयोग बड़े नस्ल के पशुओं जैसे गाय भैंस में काफ़ी लंबे अरसे से किया जा रहा है, लेकिन कुछ हाल के वर्षों में बकरी की एक महत्ता को देखते हुए बकरी और भेड़ों में भी इस तकनीक का प्रयोग सफलतापूर्वक और प्रारंभिक अवस्था में हमको इसकी सफलता भी मिली है। कृत्रिम गर्भाधान विधि का सबसे अधिक फायदा ये है कि इसमें हम अच्छे नस्ल के जो हमारे बकरे हैं उनके वीर्य को ज़्यादा से ज़्यादा बकरियों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रयोग कर सकते हैं। और इस तकनीक का एक फ़ायदा ये भी है कि जो बकरे शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है उनके वीर्य को भी हम एक कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम योनि में एकत्रित करके उनका प्रयोग काफ़ी अच्छी बकरियों में अच्छे नस्ल की संतति पैदा करने के लिए किया जाता है। इस तकनीक के प्रयोग के लिए सबसे बड़ी सावधानी ये है कि बकरी पालकों को ये पता होना चाहिए कि बकरी का गर्भाधान कब कराएं। बकरी आमतौर पर हमारे देश की बकरियाँ 1 से 1.5 दिन या 24 से 36 घंटे तक गर्मी में रहती हैं और उसी अवधि में अगर उसको हम कृत्रिम गर्भाधान कराएं तो उसकी सफलता जो है 50 से 60% हो गई है। हमारे संस्थान द्वारा बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान तकनीक का प्रयोग हाल के वर्षों में इसको किया गया है और इसकी सफलता हमें प्रारंभिक स्थिति में इसकी सफलता भी मिली है। इसमें हम क्या करते हैं बकरी में जो है जब बकरी गर्मी में आ जाती है उस समय गर्मी में बकरी की जो है योनि मार्ग में जो हमारे पास सीमन की स्ट्रॉ है जिसमें हम 80 से 100 मिलियन शुक्राणु रखते हैं उसको एक विशेष पिचकारी के द्वारा जिसको हम AI टेक्निक कहते हैं उसके द्वारा बकरी के गर्भाशय में उसको हम डाल देते हैं। उसके बाद में बकरी अगर गर्भित रहती है तो उसको 1 महीने के उपरांत हम उसके गर्भ का परीक्षण करते हैं। अभी हमने उसको एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर शुरू किया है, लेकिन इस अब आने वाले वर्षों में शीघ्र ही गाय और भैंस की तरह भी ये जो है जो बकरी का वीर्य है सीमन है स्टॉक के रूप में उपलब्ध किसानों को किया जाएगा जिससे कि वो अपने बकरियों के नस्ल में अपेक्षित सुधार ला सकेंगे। देश में अधिकतर बकरी पालन मांस उत्पादन के लिए किया जाता है, लेकिन केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम के वैज्ञानिकों ने बकरी के दूध के भी कई उत्पादन तैयार किए हैं। यह संस्थान ग्रामीणों को बकरी पालन संबंधी प्रशिक्षण भी देता है जिससे गांवों में रोजगार का भी सृजन हो और ग्रामीणों की आमदनी में भी इजाफा हो। बकरी के दूध में वसा बेहद छोटी छोटी गोलियों के रूप में होती है जिससे बकरी के दूध को पचाना बेहद आसान होता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बकरी पालन का योगदान बेहद अहम है और आने वाले समय में पूरी उम्मीद है कि बकरी पालन एक बड़े उद्योग के रूप में उभरेगा जिसमें केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान का बेहद सार्थक योगदान होगा। तो देखा आपने किस तरह आधुनिक तकनीक ने बकरी पालन में संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं। इस कार्यक्रम में इससे पहले आपने देखा ब्रुसेल्स स्प्राउट की खेती के बारे में। हमें उम्मीद है कि ये जानकारियां आपके लिए लाभदायक साबित होंगी। इसी के साथ खेत खलियान कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगली कड़ी में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।